हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स गोना बी थ्राइविंग। और आज है फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे टू यू ऑल। एंड आज जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे होता है मेरा हेड वॉश डे, तो हेड वॉश कर लिया है, पूजा वगैरह सब कर लिया है। टाइम आपको दिखा देती हूँ, 11:30 का है। मेरा ब्रेकफास्ट अभी बचा है, वो करना है। हस्बैंड बच्चे ऑफिस चले गए, लंच बॉक्सेस प्रिपेयर हो गए, पूजा हो गई, घर क्लीन हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, सारे काम डन हो गए। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी शुरू कर ही लेते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ धीरे धीरे जो जो पूरे दिन में होगा वो शेयर करती रहूँगी। एंड अभी बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि फ्राइडे था तो अभी को कुछ स्नैक ही भेजना होता है लंच में। तो आज वो लेकर गया था सैंडविचेस, और वो ही मैं भी खाने वाली हूँ। और मैं ना आपको आज पीछे अपना ये सारा सेटअप दिखाती हूँ, इसमें क्या क्या है। ये हमारा जेड प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, इसमें छोटी छोटी सैपलिंग्स भी छोटे छोटे से ट्रीज़ के वो क्या कहते हैं यार इन्हें, छोटे छोटे रूट्स भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे नए नए लीव्स भी आ रही हैं। इतनी देर लग गई लीव्स बर्ड खोजने में। और ये है मेरा मॉस वाला हट, जो कि मैं मुक्तेश्वर से लेकर आई थी। एंड ये एक हैंडमेड फिश है, स्टार है। और ये है हमारे ब्रास के गणपति जी, ये सब हमने बॉम्बे से ख़रीदा था। और ये मैंने लिया था जब मैं वहाँ गई थी पिकनिक पे, कहाँ गई थी, नर्सरी, सुंदर नर्सरी। तो मैंने उसका व्लॉग भी शेयर किया था आपके साथ। इसके बाद यहाँ पर हमारे बहुत सारे मोर पंख रखे हुए हैं इस वाले फ्लावर वाज में। एंड ये कुछ 1-2-3 कोटेशंस वाले वॉल आर्ट हैं, क्यूरियस, तो ये सब यहाँ रखा है। और ये हमारे बुद्धा जी भी यहीं पे रहते हैं हमेशा, और मेरे कृष्ण जी भी यहीं पे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है अलॉन्ग विद कैलेंडर। और जब भी मैं इसे देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये ना ये लीव्स खा रहा है कैमल। चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, खाती हूँ, क्योंकि अब लग रही है बे को जोरों की। मैं बहुत दिनों के बाद आपको अपने किचन में अपने साथ लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तवा चढ़ा दिया है, एंड अब मैं अपनी वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी। मैं सोच ही रही हूँ कि मेरे पास 2 तरीके की ब्रेड्स पड़ी हुई हैं, हैलोपीनो वाली एंड प्लेन ब्रेड तो है ही, तो हैलोपीनो वाली में बनाऊँ या नॉर्मल ब्रेड में बनाऊँ, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं हैलोपीनो वाली बना लेती हूँ, क्योंकि वो ख़त्म भी करनी है, एंड ऑब्वियसली उसका टेस्ट तो एनहेंस्ड आएगा ही आएगा। चीज़ मैं 2-3 दिन से ना काफ़ी खा रही हूँ, मैं सोचूँ आज नहीं खाऊँगी, ब्रेक लूँगी। एंड मैंने ना यार, मैं आप लोगों को बताया था ना पिछले कुछ ब्लॉग्स में कि मैंने वो प्रोटीन लाइक विमेंस हॉलिक्स लेना शुरू किया, मेरा वो रूटीन टूट गया है, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी उसको लेने से। मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, और उसको वो जो है ना डाइजेस्ट करना इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लमैटिक। इट्स वेरी हैवी फॉर यू टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका हाजमा जो है ना ख़राब रहता है। तो मेरा रूटीन जो है वो टूट गया। तो एनी वेज, अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं ले रही हूँ, टेकन अ ब्रेक फ्रॉम वुमेन्स हॉलिक्स, बट वही है। और मेरी रिपोर्ट्स वैसे तो बिल्कुल ठीक आई हैं, बट B12 और हीमोग्लोबिन मेरा कम आया है, तो इन दोनों पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, डॉक्टर बोला है। तो एक सप्लीमेंट है प्लांट बेस्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे पास हैलोपीनो ब्रेड रखी है, वही निकालने देती हूँ। तो मेरे लिए बैंगल्स से निकल लाए थे, बहुत यमी होती है बैंगल की ब्रेड, बैंगल की पेक्स अनेक क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छे। हाँ, सो एज आई वॉज टेलिंग यू, तो ना हाँ, तो प्लांट बेस्ड एक सप्लीमेंट निकल ने ढूंढा है मेरे लिए। अब वो कह रहे हैं कि ये प्लांट बेस्ड वाला तुम शुरू करके देख, देखते को क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्लांट बेस्ड है तो वो कह रहे हैं विल नॉट बी हैवी फॉर यू टू डाइजेस्ट ऑल्सो, डाइजेस्ट भी ईजीली हो जाएगा, एंड हेल्थ बेनिफिट्स उसके काफ़ी अच्छे लिखे हुए थे। एक बार मेरे वो रिसीव हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह से इसको मैंने स्लाइस कर लिया है हैलोपीनो ब्रेड को, एंड अब मैं इस पर लगाया बटर खूब सारा, और मैं इसे तवे को अपसाइड डाउन करके डालती हूँ, लाइक जो बटर वाली साइड है वो डालती हूँ नीचे। मैंने इस पर अपनी सारी चॉप्ड वेजीज डाल दी हैं खूब सारी, कैरेट, क्यूकम्बर, टमेटोज और अनियन, मतलब रेड वाली कैरेट भी आ जाएंगी ना थोड़े दिनों में, वो भी डला करेगी सैंडविचेस में। मैं बहुत दिनों से अपना एवोकाडो वाला मिस कर रही हूँ सैंडविच, लेकिन ना जो है एवोकाडो जहाँ से लेकर लाते हैं ना वो वाले भैया के पास, अभी एवोकाडो 2-4 टाइम से हमको मिल नहीं पा रहा, तो उस चक्कर में एवोकाडो जो है ना खाया नहीं जा रहा।
और अगर होता ना तो इस वाली ब्रेड पे एवोकाडो का टोस्ट हो, क्या लगता। पर क्या कर सकते हैं, है ही। अब बस उसको हल्का सा मैं सॉल्ट के साथ सीजन करूंगी और हल्की सी ऑरिगैनो डाल दूंगी। हो गया मेरा सैंडविच रेडी। अब बीच में आप सोच रहे हो मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, तो यहाँ मैं हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी हैबिट है हर चीज को टच करने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैंड वॉश फटाफट करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि पहले सारा काम कर लेते हैं उसके बाद जाके वो अपने हैंड वॉश वगैरह के बारे में सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं पहले हैंड वॉश करती रहती हूँ साथ साथ ही। और आप लोग बताइएगा अगर मेरे ऐसा कोई है आप में से भी, और मैं सोचूँ कि पटल है इससे पलटा जाए। सक्सेसफुल, पलट गया ना, गिरा ना मैस हुआ। तो ये मैंने कुछ नए किचन टॉवल्स खरीदे थे, उनमें से एक निकाल लिया है। और इस बार मैं आपको ग्रोसरी हॉल शेयर ही नहीं कर पाई, वापस सोचती रही अब बनाऊंगी बनाऊंगी। और उस चक्कर में ना बहुत दिनों तक ग्रोसरीज को बाहर ही रखे रखा, मैंने उसको सेट भी नहीं किया था अंदर, इस चक्कर में कि ग्रोसरी का हॉल बनाए हॉल बनाएंगे क्या बोलूँगा इस बार। हाँ, तो फिर भी नहीं बन पाया। आई वॉज वेरी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ गाइस, मैं इतनी ज़्यादा आई फेल्ट ब्रोकन ना, क्योंकि मेरे को बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिल रही थी आप लोगों की तरफ से। और अभी भी बहुत कम व्यूज़ हैं, व्यूज़ तो ऐसे मेरे नहीं आ रहे, ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना लाइक्स आते हैं, तो डिहार्टेड तो हो जाता आदमी कि क्या कर रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं, देख तो रानी है। बट फिर भी अपने आप को इकट्ठा किया है दोबारा से कि बनाएंगे, एक ना एक दिन आप सबके पास मेरी आवाज़ पहुँचेगी। एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट लविंग मी। प्यार ही चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए, खूब सारा प्यार चाहिए, प्यार बांटो यार। तो ये देखो मेरा यम्मी टोस्ट जो है ना, अरे एक गिर ना जाए, मैं आपको प्लेट पर रख के दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये हो गया मेरा यमी यमी टोस्ट रेडी। अब एक और बनाऊंगी एंड आई विल बी डन। एक इन द सेंस एक का हाफ हाफ। और आज रात के डिनर पे मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं बहुत दिनों से कुकिंग से ना सच बताऊँ तो ब्रेक लेके ही चल रही हूँ। निखिल हैज बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, क्योंकि कल मेरे को बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हुई थी, वॉमिटिंग्स हो रही थी सुबह से। एंड कहते ना कि मन भी सेंटर में ना हो तो आप इन सब चीज़ों से जूझते हो। यू हैव टू गो थ्रू स्टमक प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर नॉट इन योर माइंड फ्रेम, परफेक्ट माइंड फ्रेम में जब आप नहीं होते। मेरे को काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ उलझन चल रही है दिमाग में। जिसके चलते आई फेल लिटरली इल, और कहते हैं बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, शरीर एकदम जवाब दे जाता है ना, मेरा वो हाल हो गया था कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मुझे बस पड़े रहना। मैं अबीर के लिए खाना इतनी मुश्किल से बना रही थी। आई नो हाउ हैव आई बीन मैनेजिंग अबीर अलोन जब निखिल ऑफिस चला जाता है, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता था। मतलब उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ लेकिन मैं खुद नहीं खा रही, सोच सकते हो आप कि मैं कितनी परेशान हूँ। बट आई वुड डू यू ऑल दिस। फिर मैंने को निखिल ने बहुत डांटा कि तबीयत खराब करने से कुछ नहीं होगा, सिचुएशनल होती है चीज़ें, टाइम देना पड़ता है उन्हें। और अगर आपको लिटरली परेशान कर रही है ये चीज़, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो डू सम हार्ड वर्क ऑलवेज पे। वो हमेशा मुझे काफ़ी मोटिवेटेड बातें बताते रहते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड दैट निखिल इज देयर इन माय लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर, बिकॉज ही कीप्स मी मोटिवेटेड। एक सेकंड, तो वो पानी की टंकी भर गई थी, वो बंद करने गई थी मैं अलार्म एंड ऑल। तो ये हो गया डन। मुझे ना ऐसा लगता है तो विंगर्स की ब्रेड में थोड़ा एग होता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं इसे हीट करती हूँ मुझे बहुत गंदी स्मेल आती है गाइस। और मैं थोड़ी नॉट तेज है, बींग आई एम नॉट एन एग, इवन आई एम नॉट एन एगिटेरियन, एग भी मैं नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती, मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी पता चलता है। अब ये दवा जो है ना वो बेहाल हो चुका है,
मैंने सुबह भी अवॉइड कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा सैंडविच भी बनना है अभी, अभी नहीं धुलवाती इसको, बाद में धुलवाऊंगी, उस चक्कर में ही धुलाई नहीं है। तो ये आ गया मेरा यम्मी सा सैंडविच, मेरा ब्रेकफास्ट, मैं इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं हो गई रेडी कुछ इस तरह, कैरिंग माई बैग, माई पिंक टॉप, शूज, जीन्स, चश्मा मस्त है, इसके बिना दुनिया दिखती नहीं है। हालांकि आजकल आप जितने भी चश्मे लगा लो, दुनिया सच में असली रूप में नहीं दिखती, तो बहुत सारे लेयर्स के नीचे होती है असलियत। एनीवेज फिर भी ये चश्मा चाहिए होता तो लगा लिया। तो बस अभी वेट कर रही हूँ टाइम होने का, एंड अपने भैया को मैंने कॉल कर दिया था, रिक्शे वाले भैया जो आते हैं हमें पिक करने के लिए, वो भी बाहर आ जाएंगे और फिर हम निकलेंगे, अभी को लेके आएंगे। दोपहर के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी वेजिटेबल्स सब कुछ ख़त्म है घर में ऑलमोस्ट, तो क्या बनाऊँगी अभी नहीं सोचा है, ना ही दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बनाऊँ। एक बार को लग रहा है कि चीज़ पराठा बना देती हूँ मेरे लिए, उसको पसंद भी है, या फिर आज हम ऐसा कुछ अजीब सा वियर्ड सा लंच करेंगे, चीज़ पराठा कर सकते हैं, पोहा भी कर सकते हैं, क्योंकि राइस हमने कल रात को भी खाए थे, कल दिन में भी हमने खाए थे, इतना राइस हो गया कि अब राइस तो नहीं खाएंगे, एंड पराठा डेफिनेटली किया जा सकता है। लेट्स सी अभी क्या बोलता है, या फिर आई विल मेक सम चीला और समथिंग, बट ऐसे कुछ स्नैकी ही रहेगा आज, ये तो श्योर है। तो जो भी बनेगा आपको दिखाऊंगी ज़रूर, और बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग, क्योंकि इस ब्लॉग में आपके साथ इंटरेस्टिंग सा कुछ शो करने वाली हूँ। कुछ गिफ्ट्स जो कि हमारे लिए आए हैं, वो सारे गिफ्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो पूरा ब्लॉग देखना एंड तक, स्किप मत करना और बंद भी मत करना, देख कर जाना ज़रूर। सेक्टर 10 में हमारे घर के बहुत पास है ये सरदार जी पंजाबी रेस्टोरेंट, तो हम अक्सर इसी तरह से अपना डिनर करना प्रेफर करते हैं। गाड़ी में अपना खाना ऑर्डर करके मंगा लिया है और अब हम खाना खाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ खाना क्या क्या हमने ऑर्डर किया। इस तरह से भैया ने ला कर दिया है, इसमें हमने प्याज वगैरह सब मिला है, और ये है हमारी चाप, देन आई हैव सम रुमाली रोटी, एंड देन आई हैव दिस पनीर कुल्चा, हमारी कोल्ड ड्रिंक भी। तो आज का डिनर पार्टी हो रही है हमारी, क्योंकि अब बस नवरात्र परसों से शुरू हो रहे हैं, तो नो प्याज नो लहसुन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी सिस्टर कोरिया से मेरे लिए क्या क्या लेकर आई है, तो जल्दी से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अब फाइनली मेरा सामान भी आ ही गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ अबीर के लिए क्या क्या आया है। तो अबीर के लिए आए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे चॉकलेट्स, बैग फुल ऑफ चॉकलेट्स, और अभी हमने ट्राई नहीं किया है क्योंकि नवरात्र जो है वो शुरू हो रहा है, तो नो चॉकलेट्स बनाओ, अबीर खा रहा है बट हम लोगों ने अभी ट्राई नहीं किया। देन सिंस ही इज़ अ बिग फैन ऑफ पुलिस कार्स, तो कोरियन कार्टून आप सब जानते होंगे परेरो, तो परेरो पुलिस कार उसके लिए आई है, इट्स अ रिमोट कंट्रोल कार, इसके साथ एक रिमोट भी है, जो कि अभी कहाँ रख के गया है मुझे क्लियरली कोई आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ। देन दिस इज़ अ लॉन्च पैड, इस पर आप अपनी कोई भी हॉट व्हील्स, नॉर्मल छोटी वाली कार्स जो होती हैं वो रखिए, एंड यू जस्ट नीड टू पुल दिस लिवर बैक, इस तरह से इसका लिवर आप पीछे कीजिए और आगे आपकी कार लॉन्च हो जाएगी। देन शी हैज बॉट दिस वेरी कोजी वॉर्म, आई थिंक कोरिया में ठंड बहुत अच्छी से होती है, तो वहाँ का फेमस कार्टून शिनचैन, और इस पर भी कुछ बना हुआ है, अगेन सम शिनचैन कार्टून। तो ये दो उसके लिए पेयर ऑफ सॉक्सेस आए हैं, काफ़ी वॉर्म है एंड सर्दियों में डेफिनेटली काम आने वाले हैं। देन वहाँ पर हैलोवीन के लिए तैयारी शुरू हो गई थी, तो ये हैलोवीन का लैंटर्न है, इट हैज़ अ कैंडल इनसाइड, एंड नीचे से यहाँ से इसमें सेल्स इंसर्ट होंगे एंड देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। और अभी मैंने ये अबीर को अनबॉक्स नहीं करने दिया है, स्टिल हैज़ द टैग, वरना उसने सब कुछ खोल लिया है। इसमें 3 सेल डलेंगे एंड इट विल स्टार्ट टू ग्लो एट नाइट, इट्स अ ग्लो एट नाइट लैंटर्न, तो आप देख सकते हो। तो हैलोवीन की कुछ थीम्स की चीज़ें हम मिल रही थी, तो शी हैज ब्रॉट दिस एंड द हैलोवीन फेमस पंपकिन, तो ये काफ़ी अच्छा है, अबीर को बहुत पसंद आ रहा है, अबीर इज़ अ बिग फैन ऑफ हैलोवीन, तो हैलोवीन थीम का ये सब कुछ सामान। तो ये कुछ चीज़ें थी अबीर के लिए। अब बात करते हैं मेरे लिए क्या क्या आया है। तो मेरे लिए आया है एक पूरा बैग भर के स्किन केयर, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, एंड सिंस शी विजिटेड तो पता लगा कि कोरिया में स्किन केयर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है,
और बहुत अच्छी रेट्स पे मिल जाता है आपको, और काफ़ी आप लोगों के डीप स्किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए वहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो ये है बैग फुल ऑफ मास्क, ये कोलेजन के और हेल्दी बूस्ट के लिए कुछ मास्क हैं। आप देख सकते हो कितने सारे मास्क हैं, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती चली जाती हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर नायका पे भी मिलती हैं, मैंने देखी है। दिस आई हैव नॉट सीन, दिस इज़ अ प्रोबायोडर्मा लिफ्टिंग T3 कोलेजन जेल मास्क, इट्स अ स्किन लिफ्टिंग कोलेजन जेल मास्क। सो ये है, एंड ऐसे दो हैं, सो बेसिकली कैन यूज टू टाइम्स। फिर अलग अलग तरीके के ऐसे ही पूरे पैक्स बने हुए हैं। देन आई हैव दिस मीडी आंसर वाइटल कोलेजन मास्क, अगेन इट इज अ स्किन लिफ्टिंग वाइटल कोलेजन मास्क। तो कोलेजन को ट्रीट करने के लिए, कोलेजन प्रॉब्लम जिनकी है, क्योंकि आई थिंक 30 के बाद सब फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती ही होती है। देन इट इज अ टी ट्री एसेंशियल ऑयल मास्क, तो टी ट्री इज़ वेरी गुड फॉर स्किन, स्पेशली द सेंसिटिव वंस जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिम्पल्स वगैरह निकलते हैं। और ये सब तो नायका पे इजीली मिल जाता है, ये नायका मास्क हैं, बट ये वहाँ पर वो शी वाज़ सेइंग कि दीज वर वेरी रीजनेबल एंड चीप, तो वो हैंडफुल ऑफ ये भी लेकर आ गई है। तो इन्हें जब मैं यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये सारे मास्क लाइए, और भी मास्क हैं। दिस इज सम स्नेल सॉल्यूशन मास्क, एंड पीछे जो भी लिखा है इट्स ऑल इन जापनीज एंड कोरियन लैंग्वेज, सो इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, एंड फिर इसके जो भी टर्म्स होंगे स्किन के लिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं वो पढ़ने के बाद इसे यूज़ करेंगे। सो ये हो गया पूरा एक बॉक्स भर के मास्क का, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो इट इज़ वन फर्स्ट थिंग दैट आई हैव रिसीव्ड। देन शी इज़ गॉट दिस क्यूट सनफ्लावर प्रिंट विंटर सॉक्स फॉर मी ऑल्सो, शी सेइंग कि वहाँ के विंटर के बहुत अच्छे थे सामान। सो दैट्स वन थिंग शी हैज़ अगेन परचेज, एंड देन शी हैज़ ब्रॉट दिस फॉर मी, इट्स सेज ब्लेमिश केयर सिरम, सो इट हैज़ दिस वन सिरम बॉटल एंड वन ट्यूब, तो दिस इज गोइंग टू ट्रीट द ब्लेमिशेज इन योर स्किन वट एवर यू हैव। सो दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंक पैकेजिंग ब्लेमिश केयर क्रीम, एंड दिस इज अ वेरी प्रिटी ब्लेमिश केयर सिरम। तो ये दो चीज़ें हैं इस बॉक्स में, तो एक ये वो लेकर आइए। देन द लास्ट थिंग इज दिस वाइट सीड के तीन ऑप्शंस हैं, एक सिरम है, एक फेस मास्क है और एक फेस वॉश है। वाइट सीड मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज एन SPF safe solution for your face, wherein you can use the face cream and the serum. So specifically it's SPF and protects your skin for 13 hours as it says, as you can see. तो ये था मेरा स्किन केयर विच शी हैज गिफ्टेड मी, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये छोटा सा व्लॉग। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और बने रहिए मेरे साथ देखने के लिए कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। टिल देन टेक केयर।